अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं सत्कर्म का प्रमाण देने वाली भक्ति हूँ। मैं मानव को सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। महोत्कट चिंतित दयासुर की चिंता का अंत कर देते हैं। लोभी बटुक को अपमानित कर सुलोचना भागने के लिए विवश कर देती है। अंधे सदाशिव और सुलोचना की सहायता करने में दयासुर सफल होते हैं। महोत्कट की चतुराई देवी अदिति के क्रोध का अंत कर देती है। उधर बटुक की असफलता से क्रोधित होकर लक्ष्मीदत्त कहता है, नहीं नहीं नहीं, इस गाँव में धन्यता केवल हमें प्राप्त है, न तो श्री गणेश को और न ही श्री महागणेश को। सारा गांव हमारा ऋणी है। सारे ग्रामवासी हमारे सामने मस्तक झुकाते हैं। उस लड़की ने हमारी भेंट ठुकराकर हमारा अपमान किया है। मित्र लक्ष्मीदत्त, उसका क्रोध ला जाती है मुझे। तुम्हें अपना मित्र कहते हुए एक लड़की के क्रोध से भयभीत हो गए तुम। मैंने तो सोचा था सुलोचना मेरे मन में पलने वाले प्यार को समझेगी, स्वर्ण मुद्राएं पाकर प्रसन्न हो जाएगी। ना, मित्र वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उसे मेरे बल और मेरी शक्ति के सामने झुकना ही होगा। सावधान मित्र, सावधान। वो निर्धन अवश्य है किंतु आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। वो तुम्हारी इच्छा के आगे झुकेगी नहीं। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि अपने मन से ये विचार निकाल डालो। हाँ। मन से निकल सकने वाले विचारों को लक्ष्मीदत्त अपने मन में घुसने नहीं देता। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। अरे तुम तो इतने बड़े साहूकार सेठ धनदत्त के इकलौते पुत्र हो, एक से एक रूपवती कन्या तुमसे विवाह करने के लिए तड़प रही है, और ये अंधे ब्राह्मण की कन्या ही क्यों? क्या धरा इसमें? चलो यहाँ से। तू मेरा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने व्यर्थ कुछ भी अपना धन नष्ट किया है। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अंधे और उसकी बेटी को मनाने के स्थान पर तू मुझे बहकाना चाहता है। लक्ष्मीदत्त, तूने सीधी सरल चरित्रवान कन्या सुलोचना पे अपनी पापी दृष्टि डाली है। तेरा ये पाप मैं सफल नहीं होने दूंगा। हाँ। कुछ भी कर ले तू, मैं उसके साथ हूँ। क्या कर लेगा तू? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझे आके दिखाता है, क्या कर लेगा तू? मैं सदाशिव बाबा और सुलोचना को सब कुछ बता दूंगा। गांव गांव जाके सबको तेरा चाचरण बताकर मैं तुझे कलंकित करूंगा। बटुक, क्या बात है लक्ष्मीदत्त? क्या हुआ बटुक? जो नहीं होना चाहिए था। बात क्या हुई? सेठ जी, आपके लाड़ प्यार ने इसे उस दुष्टता तक पहुंचा दिया है जहां सारे गांव वाले इस पे थू थू करेंगे। अरे इसने गांव की बहु बेटियों पर। चुप हो जा। अरे दुष्ट, तू उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें तू खाता है। जा, निकल जा इस हवेली से। और अब इस हवेली में पांव भी रखा तो तेरे पांव कटवा दिए जाएंगे। अपने पांव भी संभाल के रखना सेठ जी। उस अंधे निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की बेटी सुलोचना का मूल्य लगाने वाला तुम्हारा ये दुष्पुत्र अब अधिक समय तक इस गांव में टिक नहीं पाएगा। अब संभाल सकते हो तो इसे संभाल लो। अरे तू जाता है या नहीं? संभाल लो। अब मेरी समझ में आया लक्ष्मीदत्त कि तूने विवाह के एक से अच्छे एक प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिए। तो उस अंधे सदाशिव की बेटी सुलोचना से? जी बापू। नहीं, उस अंधे निर्धन की बेटी ने तुझ पर जादू कर दिया है। अब मैं देखता हूं वो दोनों इस गांव में कैसे रहते हैं। किंतु बाबू, बाबू। अरे क्या बापू बापू लगा रखा है? इस हवेली के समधी बनने का सपना देखने वाले उस अंधे सदाशिव और उसकी पुत्री को
मैं मार मार कर इस गांव से भागने पर विवश कर दूंगा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणपतये नमः। नमः शिवाय। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तुम्हारा पुत्र जगर और खनु अपनी आराधना को विराम दो। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये। तुम्हारा पुत्र जगर और खनु अपनी आराधना को विराम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लंबे समय से तुम श्री महागणेश की आराधना कर रहे हो, परंतु श्री महागणेश ने तुम पर कृपा नहीं की। जानते हो इसका कारण क्या है? नहीं दैत्य गुरु, श्री गणेश के न प्रसन्न होने का कारण हम नहीं जानते। हाँ दैत्य गुरु, हमें कारण बताएं। हमारे आश्रम में बैठकर आराधना करने वाले किसी भी दैत्य असुर या राक्षस पर महागणेश कृपा नहीं करते, बल्कि उन्हें दंडित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हमारी बात पर संदेह करके अपनी मूर्खता का परिचय ना दो जगन। तुम दोनों ने देखा नहीं, तुम्हारे पिता धुमराज को भी श्री महागणेश के अवतार महोत्कट ने अपने अंकुश से उठाकर फेंक दिया। क्योंकि पिता धुमराक्ष ने श्री महोत्कट के समक्ष दुष्टता का परिचय दिया था। ना भी दिया होता तो भी तुम्हारा पिता दंडित होता। कारण? कारण श्री महागणेश और उनके अवतारों के स्वभाव। वे दैत्य असुर और राक्षसों को वरदानी और शक्तिशाली बनते नहीं देख सकते। यदि तुम दोनों वरदान पाना चाहते हो तो परमपिता ब्रह्मा जी अथवा देवादिदेव महादेव की आराधना करो। नहीं दैत्य गुरु, हमारा मन श्री महागणेश की आराधना में लीन हो चुका है, हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। तो फिर चले जाओ इस आश्रम से, मैं तुम दोनों को अपना समय व्यर्थ करते हुए नहीं देख सकता। किंतु एक बात याद रखना, महागणेश कभी किसी असुर पर कृपा नहीं करते। ना 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 दैत्य गुरु, शिव भक्ति पर अभिमान करने वाली आपकी जिह्वा पर असत्य शोभा नहीं देता। शिव तो सत्य है, सत्य का भक्त असत्य, जय जय श्री महागणेश। असुर, तुम यहाँ मेरे आश्रम में? हाँ दैत्य गुरु, जब आपका असत्य और मिथ्या ज्ञान उसे देखा नहीं गया तो मैं आपके आश्रम में चला आया। इन दोनों को श्री महागणेश की भक्ति के पावन मार्ग से भ्रमित करके आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि मैं स्वयं भयासुर नाम से एक असुर के रूप में जन्मा था, किंतु श्री महागणेश की भक्ति से अमर वरदानी होने के साथ साथ भयासुर से दयासुर बन गया, और अब श्री गणेश भक्तों की सहायता करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दैत्य गुरु। तो तुम इन दोनों की सहायता के लिए प्रकट हुए हो? जय जय श्री महागणेश। आपका अनुमान कभी असत्य नहीं हो सकता दैत्य गुरु। आपके मिथ्या ज्ञान से ये दोनों भ्रमित हो इससे पहले मैं इन दोनों को श्री महागणेश की शरण में ले जाऊंगा। क्यों जगन और गनु, चलोगे मेरे साथ? अवश्य भक्तराज दयासुर, हम आपके साथ चलकर श्री गणेश से अतुल्य शक्ति और असुर साम्राज्य का वरदान प्राप्त करेंगे, और श्री गणेश की कृपा से तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। हमारी इच्छा का वरदान केवल आप ही दिला सकते हैं। हाँ दयासुर, हमें वरदान दिलवाओ। नहीं, कदापि नहीं, तुम दोनों वरदान के ही नहीं श्री महागणेश की कृपा के योग्य भी नहीं हो। तुम्हारे मन में असुर साम्राज्य और अतुल्य शक्ति का लोभ है, हम तुम्हारा स्वार्थ कभी सफल नहीं होने देंगे। तुम दोनों मेरी सहायता की नहीं, मेरे दंड के पात्र हो। अब मैं तुम दोनों को श्री महागणेश के हाथों दंडित करवाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। ये लोभी, स्वार्थी और दुष्ट असुर दंडित हो। जय जय श्री महागणेश। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय।
देखो क्या अनर्थ हो गया। बहुत काट, बहुत काट। चिंतित न हो माता, इन दोनों का पिता धूमराज मेरे अंकुश प्रहार से पाताल लोक पहुंच चुका है, परंतु ये दोनों अपनी भक्ति और सदाचार के नाम पर यही रह गए। अब इन दोनों का भी उद्धार करना ही होगा। जय जय श्री गणेश। भक्तराज दयासुर, तुम्हें श्री गणेश के परम भक्त सुलोचना और उसके अंधे पिता सदाशिव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जाओ हर संकट से उनकी रक्षा करो। जय जय श्री गणेश। निर्धनता ही सबसे बड़ा संकट है बाबा। जो गणेश भक्त हमारे यहाँ अनाज पहुँचा गए थे, हम तो उनका नाम भी नहीं जान पाए। मैं तो उन्हें पुकारता ही रह गया, पर वो रुके ही नहीं। अब न जाने उनसे भेंट होगी या नहीं। ऐसे चमत्कार बार बार तो नहीं हो सकते। बाबा मुझे डर लग रहा है। साहूकार का वो दुष्ट पिता लक्ष्मीदत्त हमें इस गांव में शांति से नहीं रहने देगा। हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा बाबा। कौन है सुलोचना? हमारी कृपा पे जीवित रहने वाले अंधे, अब तेरे जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है, अपनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जा, निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो तू सुन रहा है बुड्ढे। तेरी बेटी ने मेरे लक्ष्मी दत्त की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जादू कर दिया है उस पर। अब हम तुझे इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देंगे। पर सेठ जी, अब हम अपने पुरखों का ये गांव छोड़कर कहां जाएंगे? मुझे अंधे पर दया कीजिए, तनिक सोचिए। मैं अपनी बेटी को लेके कहां कहां भटकूंगा? भटको या मर जाओ जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। नहीं नहीं, इतना भयानक अत्याचार न कीजिए। आप अपने बेटे को समझाइए, इसमें मेरी बेटी सुलोचना का कोई दोष नहीं है। दोष? छोड़ दो। तू मेरे बेटे का दोष निकाल रहा है? छोड़ दो मेरे बाबू को। इतना साहस कर रहा है? छोड़ दीजिए। देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो और ये सारा सामान बाहर फेंक दो। मेरे बाबू को छोड़ दो। फेंक दो, छोड़ दो मेरे बाबू को, छोड़ दो। रक्षा करो श्री गणेश, मेरे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करो बाबू। छोड़ दो मेरे बाबू को, छोड़ दो मेरे बाबू को। जय जय श्री गणेश। चलो बाबू। अरे खाका के साथ हो रहा, बुढ़े आदमी से डर गए। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ काट को? अरे अरे कोई आओ इधर। बापू क्या? बोलो बोलो, चले गए बापू गणेश जी की कृपा से, बोलो भाग गए। बैठो बापू,
ओम गणपते नमः। मेरे प्रभु, मेरे आराध्य चिंतामणि गजानन श्री गणेश, आपने आपने यहां पधारते ही हमारी रक्षा का भार उठा लिया। पग पग पर आप हमारी सहायता कर रहे हैं, परंतु आप ही बताइए कैसी स्थिति में हम कब तक इस गांव में रह पाएंगे, कब तक अपनी लाश बचा पाएंगे। हम पर इतनी कृपा करें विघ्नहर्ता कि हम सुख शांति और सम्मान के साथ आपकी भक्ति कर सके। ओम गणपते नमः। नहीं नहीं, किसी का मार्गदर्शन करना, परामर्श देना तुम्हारा नहीं, श्री महागणेश के अवतारों का काम है। तुम्हें केवल इनकी सहायता करनी है दयासुर। जय जय श्री महागणेश। ओम गणपते नमः।